मुझे ये बताइए, आपके बाबर आजम आउट होते हैं, ठीक है, आप कहते हो मैच विनिंग परफॉर्मेंस, बाबर आजम कब मैच विनिंग परफॉर्मेंस हमें करके देता है, मुझे वो मैचेस गिनवा दे। वलीद आप ही बताइए ना, वो मैच विनिंग नहीं है, आज की परफॉर्मेंस उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करने की थी। सर कॉन्फिडेंस डेवलप कब होगा उसका, मुझे आप ये बताएं। आप भी मुझे बताएंगे बिकॉज़ आप बहुत फॉलो करते हैं बाबर आजम, आपके फेवरेट प्लेयर। नहीं, बाबर आजम मेरे फेवरेट प्लेयर कभी भी नहीं रहे, मैं सिर्फ आप उनको पसंद नहीं करते। नहीं, मैं बाबर आजम को पसंद करता हूं, लेकिन एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर पसंद करता हूं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो मैच विनर है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये चीज बताई थी कि रिजवान हमारे सबसे बड़े मैच विनर है, आखिर कब तक वो बंदा हमें टीम में लेके चलता है। पिछले मैच में भी मोहम्मद रिजवान ने हमें बचाया, आज भी वो एक जिम्मेदाराना इनिंग्स खेल गए थे, आखिर हम कब देखेंगे। हम सब कहते हैं ना बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मंथ बने, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, प्लेयर ऑफ द वीक बने, आईसीसी की ट्रॉफीज उनके पास हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 की, लेकिन वो प्लेयर ऑफ द ईयर हमें नजर भी तो आए। ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे बाबर आजम है, लेकिन वो हमें इसको प्रूव भी तो करें। देखें, नंबर 1 टीम पाकिस्तान की है, अगर ये नंबर 1 टीम की परफॉर्मेंस है तो भाई बाकी टीम्स की परफॉर्मेंस को तो खुदा हाफिज है, लेकिन साउथ अफ्रीका परफॉर्म कर रहे हैं, न्यूजीलैंड परफॉर्म कर रहे हैं, ये बताइए। लेकिन आपका आपका जवाब देने से पहले हम सईद अजमल साहब हमारे साथ लाइन पे हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सईद जी, हम कह रहे थे 300-350 स्कोर होगा, लेकिन पाकिस्तान ने तो ना हमारी एक सुनी, 191, क्या कहेंगे आप? हम पिछले दो दिन से चीख रहे हैं पाकिस्तान ये करेगा वो करेगा, हमें क्या पता था, अनप्रेडिक्टेबल टीम, अनप्रेडिक्टेबल टीम और इतनी बुरी पाकिस्तान ने इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बाद 155 से दो आउट होने के बाद 191 रन ऑल आउट, और उन्होंने कोई ऐसी रॉकेट साइंस बॉलिंग नहीं की, सीधी सीधी बॉलिंग पे हम खुद ही शॉट मार के आउट होते जा रहे हैं, और अब तो मेरा ब्लड प्रेशर इतना लो है कि मुझसे बात भी नहीं हो पा रही। पता नहीं क्या चीज है, हमें क्या चीज सीखने नहीं देती, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें नहीं, आज के बैटिंग भी अच्छी, एटमोसफेयर भी अच्छा, अच्छा इंडिया का प्रेशर क्या था, हमने तो पहले दो ओवर में चार चार चौके भी लगा दिए, उसको कौन सा ड्रीमिंग स्टार जो आप नहीं चाह रहे थे, जो लेने के बाद हम इस तरह क्लैप कर गए, बहुत बहुत शेमफुल बैटिंग की पाकिस्तान। अच्छा सईद भाई, मुझे आप एक ये चीज़ बताएं कि इफ्तिखार को वहाँ पर भेजना मुअस्सर था, बाबर आजम ने क्या सोचा वहाँ पे इफ्तिखार को भेजने से पहले? देखिए मुझे ये बताएं कि इफ्तिखार को और क्या लास्ट मैन भेजना था? इफ्तिखार से पहले शादाब खान को भेज के उनकी इनिंग्स अगर वो एंकर करते तो लास्ट 10 ओवरों में हमारे पास चांस ना होता कि हम उनको प्रेशर डालते। यार एज ए बैटर वो खेल रहे हैं, बैट्समैन हैं, उनको क्यों नहीं खेलना चाहिए, अगर वो आगे शादाब भेज देते तो हमने उसके ऊपर भी तनकीद करनी थी। बट ये है कि अब आप ये बताएं कि जो बाबर आजम ने शॉट खेला है, उसके बाद जो इफ्तिखार ने आके स्वीप मारा है, उसके बाद रिजवान आउट हो गया, फिर उसके बाद शादाब खान तो पहले ही कुछ नहीं कर पा रहे, उन्होंने आगे क्या करना था। बात तो ये है कि हम 191 रन पे यार इतना कि अब बस कर दें हमारी क्रिकेट को, जो जो सूरत हाल हमारी चल रही है इस तरह तो हम तो किसी टीम को हम तो सीरीज ले ही नहीं। बिल्कुल सही है। सही, मुझे ये बताइए कि कोई बचत की थोड़ी बहुत है कोई ऐसी कोशिश, कोई ऐसी अटेम्प्ट के हम कुछ बच जाएं, कुछ थोड़ा ले, वो मैं 5 विकेट ले ले। लेकिन सही जी, वो तो सही है ना भाई, अनप्रेडिक्टेबल हमारे ऊपर टैग लगा, उनके ऊपर नहीं लगा, उन्होंने मार मार के हमें दुम्बे की तरह बना देना है, हमने थोड़ी देर देख लीजिएगा। सही जी, अभी आपने कहा कि वो हमें मार मार के दुम्बा बना देंगे, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने आज बॉलिंग की, कुलदीप यादव ने बॉलिंग की, तो शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली हारी स्ट्रोफ से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और इफ्तिखार अहमद के बारे में बताइएगा, क्योंकि मिस्ट्री बॉलर है, कभी कभी लाया जाता है उसको बॉलिंग करने के लिए, क्या राय रखते हैं आप उनके बारे में? अल्लाह करे कि इफ्तिखार तक बॉलिंग चली जाए हमारी। बात ये है कि अनप्रेडिक्टेबल हम हैं, वो नहीं है, ये हमारे ऊपर दबा है। मैं मेरे ख्याल में ये तो 25 ओवर में चेज कर देंगे जिस तरह वो खेलते हैं, तो अगर 25 ओवर सर सईद जी ये बताइएगा, 25 ओवर्स में उन्होंने चेस कर लिया तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट टेबल पे पाकिस्तान का जो इस टाइम नंबर है, हम तो बहुत नीचे चले जाएंगे, तो सेमीफाइनल तक पहुंचने का जो सवाल है वो खतरा हो जाएगा। इतना सोचेंगे तो हम अच्छे प्लेयर ना बन जाएंगे, हम तो सोचते ही नहीं है कि हमने करना क्या है।
बात यह है कि 155 पे दो विकेटें गिरी हैं। उसके बाद आप ऐसे आउट हुए हैं जैसे पता नहीं आपको पकड़ के खड़ा किया जा रहा है कि यार खड़े हो जाओ बस आउट ही होने हैं। कि कौन सी अदाकारी वाली क्रिकेट खेल रहे हैं हम? कौन सी अदाकारी वाली? वेरी 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 शेमफुल। अब आप क्या समझते हैं किस माइंडसेट के साथ बॉलर्स को जाना चाहिए? एक ही माइंडसेट है कि बस बॉलिंग करा के आ जाओ कवरेज, बस फिनिश भाई। इतनी बड़ी बैटिंग आप करेंगे उसके बाद कौन सा माइंडसेट रह जाएगा? 200 रन पे 400 रन वाली विकेट पे आप 200 पे आउट हो जाएं, बल्कि 200 भी ना करें आप 191 पे आप आउट हो जाएं। उसके बाद आप बॉलरों के ऊपर डालना शुरू कर दें कि बॉल कैसे पास करें। जो भाई ये जो धड़म हुआ है हमारे साथ, इसका असर तो आने वाले मैचेस पे भी पड़ेगा जी। सितार साहब आप दोबारा फिर ये चीजें जितने हम अगर मगर पे काम कर रहे हैं ना, इसको छोड़े और बस इस टीम को बस खेलने दें यार। इसका मतलब बिल्कुल ही आउट ही कर दिया आज इन्होंने हमें, बिल्कुल आउट क्लास कर दिया यार। सही जी, पूरी बैटिंग जी बोले क्या कहा आपने जी? सही जी, वही बात कर रहे थे कि जिस तरह मोमेंटम था जीत का, दो मैचेस हम जीत के आ रहे थे और वो मोमेंटम आज लग रहा है कि हम तो जीरो नंबर टीम है। देखें जिस तरह हमने बैटिंग किया और आपको पता है कि ये पिच पे लो बाउंस है, सऊद शकील पीछे जाकर के खेली जा रहे हैं, एक बॉल पैड पे लगनी थी विकेट और वही हुआ, और रविंद्र जडेजा ने जो बॉलिंग किया है विकेट टू विकेट आप देखें कोई कहीं भी स्पिनर नजर नहीं आ रहे थे, फिर भी उनके इकोनॉमिकल बॉलिंग उसने की है। कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 35 रन उन्होंने दिए और दो उन्होंने कीमती विकेट ली, जडेजा भी दो विकेट ले गए। तो मतलब कि अब 9 में पहले स्टार्ट है, आप देखें सिराज ने कितनी 2 ओवर में 20 रन दिए। उसके बाद कप्तान को चाहिए था कि सिराज को बॉलिंग से हटा देता, मगर उसने कंटिन्यू रखा और वो दो अच्छे विकेट ले गया, दो उसने लिए। बुमराह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग बुमराह ने की है। बुमराह को अगर विकेट नहीं मिल रहा था तो उसने एक चीज तो की है ना कि एक साइड पे लगा रहा है। हम तो वो भी नहीं करते कि विकेट नहीं मिलती तो हम कहते हैं कि चल तू स्कोर बना ले, हम विकेट नहीं मिलती तो हम आप स्कोर बना ले। जी जी बहुत शुक्रिया सही जी हमारा साथ देने का, और आपके पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं कि हम अपनी टीम को इतना सपोर्ट, दो दिन से हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमने भारत 24 के साथ स्पेशल टाकरा किया, टक्कर की टक्कर हम लोगों ने एक ट्रांसमिशन भी की, लेकिन देखिए उसका क्या हमें मिला है।